ब्रेकिंग कुड हैव बीन मच बेटर मैन, आई मीन लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रेकिंग ओनली इफ यू ट्राई टू एक्सेप्ट द वे इट लुक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कैसा बाइक है, बहुत बेकार लग रहा है, यू नो अच्छा नहीं है, आई मीन लाइक बजाज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू। ओके हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NS400Z के बारे में। दिस इज़ द मॉडल विच दे हैव रीडिज़ाइंड एज 400cc। सो यस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या आपको एडवांस मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ 400cc, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका राइड में क्वालिटी कैसा रहने वाला है, बिकॉज इट हैव गॉट अ 400cc इंजन, 40 bhp, 35 Nm टॉर्क, तो इसका परफॉर्मेंस का ब्रेकिंग, इसका हैंडलिंग सब कुछ आज चेकआउट करने वाले हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ NS400Z। सामने आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं विद हैजार्ड लाइट, तो अगर आप ये बंद करते हो तो ये बंद हो जाएगा एंड ये ऑन रहेगा। इसका और एक खास बात ये है कि अगर आप चाबी भी निकाल देते हो फिर भी ये ऑन रहता है, आई मीन लाइक फॉर सेफ्टी पर्पज, इनकेस आपका बाइक कहीं पर ब्रेक डाउन हो गया तो आप इसके हैजार्ड इंडिकेटर को जला के छोड़ सकते हो। नाउ वंस यू स्विच इट ऑन ये फिर बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे NS400 का बैजिंग है, यहाँ पे काउल है, फिर से चालू हो गया। एंड यहाँ पे आपको DRL मिलते हैं, ये थोड़ा सा जो यू नो पैनल है ये यहाँ पे आता है, तो इट गिव्स अ मोर डिफरेंट लुक एज कम्पेयर टू यू नो व्हाट वी हैव सीन। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मतलब हाई बीम लो बीम दोनों इसी तरफ से है, एंड इसके लाइट के थ्रू काफ़ी अच्छे हैं, अग्रेसिव लाइट्स हैं, मुझे अच्छे लगे। एंड यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, जो मड फ्लैप है वो काफ़ी चौड़ा हो चुका है इस बार इस मॉडल, बिकॉज आपको सामने काफ़ी चौड़े टायर्स मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट दी यू नो USD सस्पेंशन, तो इसमें आपको 43mm के शैम्पेन कलर के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसका स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स ड्यूअल चैनल आपको ABS देखने को मिलते हैं, सामने आपको 320mm के डिस्क देखने को मिलते हैं, ABS के रिंग यहाँ पे, एंड ग्रीमिका के ब्रेक्स इन्होंने यूज़ किए हैं, एंड सामने आपको जो जैपर के टायर है, एंड सामने के जो टायर है वो है 110/70/17 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पंक्चर वगैरह होने का मतलब जो भी टेंशन था वो खत्म हो गया। सो इस तरफ का जो पैनल है वो NS200 से ही इंस्पायर्ड है, आई मीन लाइक देर इज़ नो चेंजेस इन दिस पैनल। यहाँ पे हल्का सा गैप्स देखने को मिलते हैं जो कि थोड़ा सा यू नो अलग फील देते हैं, आई मीन लाइक दिस कंपोनेंट इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। एंड यहाँ पे आपको जो ये जो पैनल है, ये जो रेडिएटर गार्ड का जो कवर है, मतलब कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है इसमें, तो ये बहुत ही मस्क्यूलर, बहुत ही यू नो ब्रॉड दिखता है, तो ये इससे आपको एक मतलब बाइक का एनहैंसमेंट लुक इससे थोड़ा और उभर के आता है। लिक्विड कूल्ड इंजन, तो रेडिएटर गार्ड यहाँ पे दिया है, दिस इज द एग्जॉस्ट, यहाँ पे प्लेट दिया गया ताकि इन केस ऑफ कलर फेड ना हो या फिर डैमेजेस ना हो। उसके अलावा लेग गार्ड है, एंड दिस इज दी इंजन कॉल जो पहले भी आते थे, यहाँ पे 400 लिखा हुआ है। इंजन जो है 373.27cc का है, 40 bhp, 35 Nm टॉर्क, लिक्विड कूल्ड FI इंजन है, एंड इट कम्स विद स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड इट हैव गॉट अ 6-speed गियर बॉक्स। ओके, उसके अलावा यहाँ पे फुट रेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज़ द ब्रेक लीवर, डबल स्टैंड यहाँ से हट चुका है बट आप इसको लगा सकते हो। दिस इज़ द पेरीमीटर फ्रेम, जो कंपनी क्लेम करता है कि इन्होंने इसको और भी रोबस्ट और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है इन दिस मॉडल। उसके अलावा दिस इज़ द पैनल, पैनल में थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं जो पहले मॉडल में अलग से आते थे। उसके अलावा दिस फुट रेस्ट इज़ सिमिलर, एंड यहाँ पे जो स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म में बहुत चेंजेस किए गए हैं ताकि इससे स्टेबिलिटी वगैरह अच्छे से मिले। पीछे की तरफ आपको ग्रीमिका के ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, 230mm के आपको पीछे डिस्क मिलते हैं, एंड 17 इंचेस के एलॉय मिलते हैं। पीछे आपको MRF रेब्स के टायर देखने को मिलते हैं, 140/70 सेक्शन का टायर है, एंड 17 इंचेस के एलॉय है, ये रेडियल टायर है, तो ऑफकोर्स इससे आपको जो बैलेंस है टायर का, जो क्वालिटी, वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं, देन हियर यू गेट NS400Z स्पिलियन सीट, जो पहले NS में आते थे उसी तरीके की सीट है, सीट थोड़े हार्ड है, आई विश थोड़े और सॉफ्ट जेली टाइप का सीट देते तो अच्छा होता पिलियन के लिए। राइडर का सीट थोड़ा सॉफ्टर साइड में है, बट विद टाइम इट बिकम्स समटाइम्स इट हार्डर, समटाइम इट्स बिकम सॉफ्टर। तो जो टैंक है वो है 12 लीटर का टैंक, एंड माइलेज इज अराउंड 28.5 दैट कंपनी क्लेम्स, बट अगर आप हाईवे में थोड़ा रगड़ के चलाओगे तो ऑफकोर्स आपको माइलेज थोड़ा कम मिलने वाला है। एंड इफ यू कम टू दिस साइड, देन दिस इज द सेम बेसिक थिंग, दैट द सेम इंजन, द रेडिएटर गार्ड, एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलते हैं ऑटो कट ऑफ के साथ, डबल स्टैंड आप लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको कहा, एंड दिस 6-speed गियर बॉक्स, गियर के लीवर्स भी बेसिक्स है जो NS200 में आते थे, एंड दिस इज द स्विंग आर्म, दिस इज साड़ी गार्ड, साड़ी गार्ड के साथ ये जो मड हगर है ये भी बहुत ही फ्लोटिंग टाइप के आते हैं, तो इस तरफ में कुछ नहीं, एंड इट लुक्स लाइक इट इज़ फ्लोटिंग। टॉकिंग ऑन द बैक साइड, तो यहाँ पे जो NS के सिग्नेचर जो टेल लैम्प आते थे वैसे ही आते हैं, दो LED इंडिकेटर्स मिलते हैं विद रिफ्लेक्टर,
color, number plate, and this is what you get. Well, let's talk about the instrumental cluster. Iske regarding jo bhar bhar ke कमेंट्स आए हैं, आई मीन लाइक लिटरली अगर आप मुझे खुद से पूछो तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर उतने पसंद नहीं आए, बिकॉज ये बहुत छोटा सा हो गया है. पहले हमें दिखता था इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ, लेकिन अभी नहीं आता है. हालांकि खैर अब जो ऑलरेडी कंपनी ने बना दिया है, वी कांट गो अगेंस्ट इट. यहाँ पे आपको इंडिकेटर के दिखेंगे, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है. ये जो DRL जल रहे हैं उसके हैं, ये हाई बीम आप जब जलाते हो तो हाई बीम का इस तरफ जलता है. न्यूट्रल, ABS, इंजन मेल फंक्शन, यहाँ पे आपको ओवरहीट और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ऑन है, उसका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज़ अ साइड पैनल जिसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब आप देख सकते हो. उसका आप व्हीकल इन्फो में जा सकते हो. यहाँ पे आप कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके आप इसमें म्यूज़िक वगैरह भी आप इसमें सिलेक्ट कर, जैसे म्यूज़िक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, आप अपने म्यूज़िक को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले, पॉज आप इससे कर सकते हो. एंड ओवर हियर यू ऑल्सो गेट दिस सेटिंग्स लाइक फेवरेट ब्राइटनेस, आप इसको बढ़ा सकते हो. उसके अलावा अगर हम इस तरफ आते हैं, कनेक्ट ब्लूटूथ, ओके, बैक, एंड इफ़ यू गो टू दिस व्हीकल इन्फो, देन यू ऑल्सो गेट अ राइड मोड्स लाइक रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड, एंड ओवर हियर यू गेट MTC कंट्रोल, आई मीन लाइक चेंज द राइड. ऑफकोर्स आई मीन लाइक वाइल्ड राइडिंग यू कैन डू दी MTC ऑफ या ऑन आप कर सकते हो. यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है. फ्यूल गेज जो है यहाँ पे ये हल्का सा रेडिश, एंड देन ये ग्रीन में आता है. एंड जो टैकोमीटर है वो भी ग्रीन, एंड देन यहाँ पे रेड में आता है. अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा, मैट्रिक्स डिस्प्ले ये कह रहे हैं कोई इन्होंने दिया है. थिंग्स आर वेरी क्लियर, ब्राइटनेस आप बड़ा घटा सकते हो. तो यहाँ पे राइट के मोड्स आपको मिलते हैं, जो कि है रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड एंड ऑफ रोड मोड, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, एंड साइड स्टैंड वगैरह अगर लगा हुआ था यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर में बैटरी कितना परसेंटेज है, मैसेजेस आए हैं कि कॉल आ रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे दिखता है. और यहाँ पे नेविगेशन जब आप डालोगे तो यहाँ पे आपको नेविगेट वगैरह यहाँ पे दिखाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीडोमीटर कंसोल. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको क्या राय है, आप क्या फील करते हो. दिस आर द डोमिनर मिरर्स. यहाँ पे जो स्विच के जो कंसोल है, जो टैक्टाइल फील है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको फील होता है. दिस इज़ द हॉन्क एंड दिस इज़ द हैंडल बार. ये हैजर्ड इंडिकेटर का स्विच यहाँ पे है. एंड ओवर हियर इफ आई स्विच इट ऑन तो इसका साउंड ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, आप इसको ऑल टाइम या आप इसको ऑफ भी कर सकते हो. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल. अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड. आई मीन लाइक माय बाइक कलर विल बी डिफरेंट बिकॉज आई विल बी चूजिंग अ ब्लैक कलर बिकॉज इट्स माय फेवरेट. सो यस, अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, आपको बताते हैं इसका स्पेसिफिकेशन से हट के इसका राइड एंड फील कैसा है, एंड कैसा ये रोड में परफॉर्म करता है. लेट्स चेक इट आउट एवरीथिंग. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मीट यू ऑन द रोड. सो बैक ऑन द रोड, दिस इज़ द NS 400Z मॉडल. अभी हम लोग है खोपोली क्रॉस करके अपन आए हैं आगे, पुणे के रोड में हैं अभी. और ये पहाड़ों का जो घाट सेक्शन का जो रोड है वो चालू है, एंड इसके बाद हमें मिलेगा खंडाला, देन लोनावला, एंड देन आगे हम लोग निकलेंगे. अभी एक्चुअली आदत क्या है यहाँ पे ऐसे पकड़ने का, बट ये यहाँ पे इन्होंने दिया है. अभी व्हीकल के अगर मैं मोड्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं. तो मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे रखा है, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू पॉप सम व्हीलीज एंड ऑल. रेस्ट अगर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह है उसमें सस्पेंशन काफ़ी स्टीफ साउंड करता है. इट गिव्स यू वेरी गुड बैलेंस नो मैटर इट्स अ कॉर्नर और इट्स अ स्टीफ क्लाइंब. दिस बाइक कैन डू ईजिली बिकॉज 400cc का सेगमेंट में आपको 40 BHP 35 Nm टॉर्क आपको मिल रहा है. तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग इट. पहाड़ों में घाट सेक्शन में आप इसको चलाओ, इट विल जस्ट टेक इट एज अ पीस ऑफ केक. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली लव्ड इट फॉर द इंजन रिफाइनमेंट, क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइंड है. वाइब्रेशन थोड़ा NVH लेवल थोड़ा कम है मोटरसाइकिल में, एंड द परफॉर्मेंस इज रियली गुड. एंड मतलब आई मीन लाइक पीपल हु वॉन्टेड टू अपडेट फ्राम NS 200 एंड दे वॉन्ट टू अपडेट फ्राम हायर CC एट अ लोअर सेगमेंट ऑफ प्राइस, दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट. यस, समवेयर आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द हेड लैम्प. आई मीन लाइक आई फील दैट इट हैज़ बिन कैरिड फॉरवर्ड एंड 250 के से इंस्पायर्ड होके NS का इन्होंने लिया है. चाहे वो साइड के DRLs को इन्होंने थोड़े से चौड़े कर दिए, एंड देन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिसमें सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों उसी में है. स्पीडोमीटर का तो क्या ही कहना, इट फील्स लाइक दैट ग्रीन एंड रेड. तो थोड़ा सा मेरे को ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर्ड वाला वर्जन लगता है,
दिस कंसोल इज़ टोटली डिफरेंट, तो इसमें आपको अलग से ही नेविगेशन और व्हीकल इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है। रेस्ट स्पीडोमीटर का सेक्शन सिर्फ इतना ही है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट रेस्ट। यू गेट अ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। दिस इज़ नॉट अ टू पीस हैंडल बार। टू पीस हैंडल बार होता तो यू नो द लुक हैव बीन अ बिट डिफरेंट, बट आर एन डी टीम से जब मेरा बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत ही नो रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके फिर उन्होंने ये वाले जो हैंडल बार है इसको इसमें इंटीग्रेट किया है। 12 लीटर का आपको टैंक मिलते हैं एंड माइलेज इज अराउंड 28.5, बट आई बिलीव वी विल बी गेटिंग अ माइलेज ऑफ 24 to 25 इन केस ऑफ सिटी राइड्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ कोर्स 28.5 इट्स ऑन अ प्लेन हाईवे टॉमैक रोड में आपको 28.5 आपको मिलेगा। मिरर्स आर प्रिटी वेल, आई मीन लाइक एज द डोमिनर यू नो मिरर्स। रेस्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। इससे पहले मैंने इसके और भी वीडियोस डाले थे, टॉप स्पीड का वीडियोज़ एंड चाकन के रेस्ट ट्रैक में हमने चलाया, उसके भी वीडियोज़ हमने डाले थे, तो वो अगर आपने नहीं देखा देन आई वुड अर्ज यू टू गो एंड वॉच इट, बिकॉज वो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका ट्रू परफॉर्मेंस किस तरीके का है। आई मीन लाइक हैंडलिंग वाइज इट इज़ मोर रिजिड मैं कहूँगा NS, फिर भी एक आध दो जगह पे लगता था कि हाँ थोड़ा छिटक रहा है, बट ये उतना छिटकने वाला फील नहीं देता है। इट इज़ लाइक वेरी रिजिड, ऐसा लगता है कि हाँ ये एकदम होल्ड करके है आपके बॉडी पोस्चर को, आपके जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसको ज़्यादा बेटर हैंडल कर पा रहा है। हैंडलिंग इज़ मोर बेटर इन दिस बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ USD एंड न्यू यू नो स्विंग आर्म जो इन्होंने रीडिज़ाइन किया है, and in that aspect handling is good. Braking could have been much better, man. I mean like I'm not satisfied with the braking. Grimica ke brakes diye hain but still ye dekho ABS itna jaldi kick in ho ja raha hai ki matlab maza nahi aa raha. Matlab maine sports mode mein bhi dekh liya, maine off road mode mein bhi dekh liya, jo ABS ka jo kick in hai bahut jaldi ho ja raha hai, piche ka bhi ho ja raha hai. You know last time when I was riding with Siraj Khan, he have recorded me that mera tire jo hai piche se thoda sa aise swing ho raha hai. So in that scenario, I would like to say that yes, braking could have been much better. Rest, iska power delivery, iska jo throttle response hai, ride by wire hai, to of course it gets a more better throttle response. Traction control hai, riding ke modes hai, to you can of course you can definitely take the advantage of that. And in terms of braking, I mean like Bajaj, there is a lot of scope to you know refine this braking more as spiteful like. N250 हमने N250 चलाया था तो उसके ब्रेकिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगे। अगर आप बात करो इसको आप टूरिंग में आप कितने स्पीड में क्रूज़ कर सकते हो, आई वुड से 120-130 पे आप इसको क्रूज़ कर सकते हो। आई हैव अचीव्ड अ टॉप स्पीड ऑफ 176 बट कंपनी क्लेम्स 158। ट्रैक पे हमने किया था 164, तो या मैं बिकॉज ट्रैक उतना लंबा भी नहीं था तो हमें काफ़ी इतना स्कोप नहीं मिला चलाने का। एंड आई मीन लाइक या सीटिंग इज सेम लाइक जैसे पुराने वाले जो NS के जो सीट्स थे, सेम सीट्स यहाँ पे भी इन्होंने दिए हैं। एंड यू नो पीछे का सीट भी सेम है पिलियन के लिए, तो पिलियन का सीट थोड़ा सा हार्ड फील होता है मुझे, एंड राइडर का जो सीट है वो भी सॉर्ट ऑफ अ बिट हार्डर साइड, बट येस इंक्लूडिंग इट आई मीन थोड़ा सॉफ्टर साइड में भी है, मतलब देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बट पिलियन का सीट थोड़ा हार्ड है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। रेस्ट मैं इसके बारे में ना और डिटेल में और बढ़िया तरीके से मैं अपने होम टाउन में जब मैं पहुंच जाऊंगा, जब ये बाइक्स शोरूम में आ जाएंगे तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं और भी डिटेल में मैं बात करूंगा। सो आई मीन लाइक या विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइड एंड राइसेस। मिलता हूँ मैं आपको इन डिटेल राइड रिव्यू के साथ बहुत जल्द। एंड इन शॉर्ट दिस बाइक इज़ गुड ओनली इफ़ यू ट्राई टू एक्सेप्ट द वे इट लुक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कैसा बाइक है, बहुत बेकार लग रहा है, यू नो अच्छा नहीं है। अगर आप उस चीज़ को अगर आप हटा के कर सकते हो तो ये बाइक आपको बहुत पसंद आएगा इस प्राइस रेंज में। एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी प्यारा है। सो या बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पर।